हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन, तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होता है। कैसे मटेरियल जो एक पार्ट से दूसरे जगह पर जाएंगे, जो जनरली एक रीज़न से उन जहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी है और जहाँ पर उनका वो रीज़न जहाँ पर कि उनका यूज़ होना है, तो इस तरीके से पूरा ट्रांसपोर्टेशन को और या फिर जो वहाँ पर स्टोरेज होगा, जहाँ अवेलेबिलिटी है, जहाँ उनका यूज़ है और जहाँ पर उनका स्टोरेज होना है, और या फिर जहाँ पर वो प्रोसेस हुआ है, जो भी प्रोसेस, चाहे वो वेस्ट रिमूवल की प्रोसेस है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, तो उसमें बना हुआ वेस्ट जो है उसको एलिमिनेट करना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में कंसिडर किया जाएगा। सर्कुलेशन के बारे में भी हम यह इसी तरीके से बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, ये प्लांट से लेके एनिमल में सभी में परफॉर्म होता है। अगर हम इसके फंक्शन या इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये क्यों इम्पोर्टेंस है इसका, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो भी सॉल्युबल फूड कंपाउंड एब्जॉर्प्शन एरिया से, मतलब इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब हुए थे, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, उसका स्टोरेज होना है, स्टोरेज होने के साथ साथ उसका असिमिलेशन होना है, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स होना है, तो ये सब प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट की बात चल रही है। देन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जैसा जस्ट अभी हमने बात किया, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जैसे किडनी है, तो किडनी से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होना है, तो जो भी सेलुलर एक्टिविटीज से बना हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने बात किया था लिवर में बना हुआ जो यूरिया है उसको आउटसाइड अगर करना है, तो वो वेस्ट एज अ कंसिडर किया जाएगा सिस्टम में, तो उसको एलिमिनेट करना, ये भी सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन से ही पॉसिबल होता है। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स में हम बात करें, जो भी इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो प्रोसेस में, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, मसल्स में बनता है, तो मसल्स से वो फिर लैक्टिक एसिड आता है लिवर में, तो इस तरीके से जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स भी जो बनते हैं उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन का रोल आता है। हॉर्मोन्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे, मतलब जो ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो अपना डायरेक्ट सिक्रीशन जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड में डाल देती हैं और वो टारगेट ऑर्गन तक रीच करते हैं, वो भी इन्हीं प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल है। हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी में जो भी हीट जनरेट होती है, एनर्जी जो जनरेट होती है, उसको पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कराने में भी इस सिस्टम का रोल आता है। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, तो जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराना है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि डिफेंस, हमारा जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं, उनमें कुछ ऐसी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि कई सारे बैक्टीरियल सेल, वायरसेस, इनको एनगल्फ करती हैं और हमारी बॉडी को डिफेंस देती हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बात किया था कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनके डिफ्यूज़न में भी ब्लड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है। O2 को इनटेक करना और CO2 को जो है एक्सहेल कराना, आउटसाइड कर देने में, रेस्पिरेटरी गैसेस का भी एक्सचेंज कराने में ये हेल्पफुल है। अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वर्टिब्रेट्स में, तो ये स्पेशलाइज्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स से बनता है, उसमें होती हैं आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, और इनमें जो होता है ब्लड होता है, और ब्लड जो होता है वो हार्ट के थ्रू पंप होता है ब्लड, और रैपिडली ड्राइव्ड होता है ब्लड वेसल्स में, तो हार्ट का यहाँ पर हम रोल की बात करते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी हेल्प करता है ब्लड और वेस्कुलर एक्टिविटी सिस्टम को परफॉर्म कराने और फंक्शनिंग में। और हमारे में दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम हैं, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ब्लड के बारे में, तो जो ब्लड है, ब्लड इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू के जैसे बिहेव करता है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है,
और ये जो है ये मोबाइल मूविंग है, रेडिश कलर का होता है, ह्यूमन बॉडी में सप्लाइंग न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, इसके अंदर बहुत सारी लिविंग सेल्स होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को कैरी कराने में हेल्प करता है। तो इसमें बहुत तरीके की हम इसमें बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो टोटल ब्लड का जो अमाउंट है वो 5 to 6 liters ऑफ ब्लड पॉसिबल हो सकता है। देन तो इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड में है प्लाज्मा है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं उस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 45% टोटल 100 का 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा का अमाउंट होता है 55%, बट फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। प्लेटलेट्स में अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो हैं इनको हम ब्लड डस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये ब्लड डस्ट हैं। सेल फ्रेगमेंट में जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले कंपोनेंट हैं और इनका टोटल अमाउंट होता है 4.8%। इस 45% का 4.8% जो होती हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं। दूसरा कंपोनेंट है आरबीसीज। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट कंसिडर करते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट अपने में कैरी करती हैं, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और हमने पिछले में बात किया था पिछले लेक्चर में कि जब आरबीसीज ऑक्सीजन को कैरी करती हैं तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो तीसरा कंपोनेंट है ब्लड के साथ साथ में अगर हम बात करें तो आरबीसीज जो है टोटल एक हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन के कंटेंट की बात करें तो मेल और फीमेल में ये वेरी करता है। तो मेल में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है वो कंटेंट होता है 14 to 15 mg/100 ml। वही जो कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन वो फीमेल में होता है 12 to 13 mg/100 ml कंटेंट। तो फीमेल में कंपोनेंट थोड़ा सा कम होता है हीमोग्लोबिन का। आप एक कंपोनेंट और ये बात हमें याद रखना है कि जब आरबीसीज की डेथ होती है तो स्प्लीन जो है वो ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहलाता है। इसको जो है हम स्प्लीन के लिए एक तरीके से ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है इसके लिए। देन टोटल अगर ब्लड कॉर्पस किल्स की बात किया जाए कि हेल्दी मेल में तो वो 5 million/ml हो सकती हैं आरबीसीज का नंबर, और फीमेल में जो आरबीसीज का नंबर होता है वो होता है 4.5 million/ml। ये हेल्दी फीमेल में बात किया जा रहा है, देन हेल्दी मेल और हेल्दी फीमेल। आरबीसीज का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 days होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन और लिवर में भी परफॉर्म होता है। तो दिस इज अबाउट आरबीसीज। दूसरा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज जिनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्किल्स। वाइट ब्लड कॉर्पस्किल्स ये जो है ये कलरलेस होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, और ये जो कॉर्पस्किल्स होती हैं इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं। और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है जो ब्लड में वो 5000 to 8000 per ml ऑफ ब्लड के नंबर में ये अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम दोनों के डिफरेंसेस की बात करें तो आरबीसीज को और डब्ल्यूबीसीज में, तो डब्ल्यूबीसीज जो हैं उनमें कई सारे सेल कंपोनेंट आ जाते हैं, कई सारी डिफरेंट सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स। इनका अमाउंट डब्ल्यूबीसीज का नंबर तो 0.1% है पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट में, बट आरबीसीज का नंबर 95.1% आरबीसीज का नंबर होता है, तो इनका नंबर बहुत ह्यूज होता है। देन डब्ल्यूबीसीज में अगर हम बात करें तो इसमें है न्यूट्रोफिल्स, इस 0.1% में 54% होती है न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज्यादा अमाउंट है न्यूट्रोफिल्स का। इयोसिनोफिल 1 to 3%, ये लेस देन 1%। बेसोफिल्स का अमाउंट है, मोनोसाइट 3 to 9% होती हैं, लिम्फोसाइट 25 to 33% अवेलेबल होती हैं। तो डब्ल्यूबीसीज जो हैं ये डब्ल्यूबीसीज को हम अगर इनको दो तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, इनमें प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स के बेसिस पर। तो एक होती हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, दूसरी होती हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो अगर हम ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें कि कौन कौन सी ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स एक्चुअल में इनमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं
और इनमें कुछ जो न्यूक्लियस होता है वो लोबिलेटेड होता है। उनकी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इनमें जो है ग्रेन्युलोसाइड, ये तीन इनके सब टाइप होते हैं, वो होते हैं बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ये तीन टाइप इसके हैं, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक हो जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के भी दो टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट जो हैं वो उनमें होती हैं जिनको कि हम टी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, TC और TH सेल। सो ये इम्यूनिटी की वाली सेल्स भी कहलाती हैं। देन तो अगर हम बात करें दूसरा जो कंपोनेंट है, ये तो हुआ RBCs और WBCs में, इनमें कभी कभार डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो आपको डिफरेंसेस ऐसे याद रखना है। RBCs का जो हमने नंबर बात किया था मिलियंस पर ML, RBCs का नंबर ज़्यादा होगा, WBCs का नंबर कम होता है, 5000 to 8000 पर ML। जबकि अगर टाइप में बात करें तो RBC केवल एक ही टाइप की है, WBCs में तो पांच टाइप्स हैं। यहाँ पर साइज जो है इसका 7 माइक्रॉन होता है, इनका साइज जो होता है WBCs का, ये बड़ी होती है, 8 to 15 माइक्रॉन तक हो सकती हैं। RBCs बाइकॉनकेव होती हैं, सर्कुलर होती हैं, जबकि इनके इरेगुलर शेप होते हैं WBCs के। इनमें न्यूक्लियस की बात किया जाए तो RBCs ह्यूमन बॉडी में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इनमें सेल ऑर्गेनलीज भी एब्सेंट होते हैं RBCs में, जबकि WBCs न्यूक्लिएटेड होती हैं और सारे सेल ऑर्गेनलीज कैरी करती हैं। हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है RBCs में, WBCs में एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें RBCs के फंक्शन की तो ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉलर अमाउंट में ट्रेवल कराती हैं। जबकि WBCs जो हैं ये हमारे डिफेंसिव सेल हैं, फेगोसाइटिक सेल हैं, और ये जो हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज कराने में भी हेल्प करती हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कभी कभार। तो इस तरीके से हमें फंक्शन भी समझ में आ गया कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन, वाटर बैलेंस रखना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी का मेंटेनेंस ऑफ pH रखना, डिफेंस देना और ब्लड क्लॉटिंग कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंजरी होगी तो उसमें यहाँ पर रोल इसका आता है। तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में जो रोल आता है वो रोल आता है मेनली प्लेटलेट्स का। तो अगर हम बात करें कोई भी इंजरी हो, अगर ब्लड क्लॉटिंग एक नॉर्मल पर्सन में 2 to 5 मिनट में, एक नॉर्मल इंजरी है, तो ये 2 से 5 मिनट में जो है ये इंजरी सील हो जाती है। और जबकि अगर कोई मेजर इंजरी है तो वो 4 to 10 मिनट्स में, अगर डीप इंजरी होती है तो वो 4 से 10 मिनट में जो है उसमें क्लॉट हो जाता है। तो कोई भी इंजरी जब होती है बॉडी में, देन उस जगह पर इंजर्ड टिश्यू और डिसइंटीग्रेटिंग प्लेटलेट्स की प्रेजेंस आती है। वहां पर जो सबसे पहले कंपोनेंट आएगा वो होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम आयन। तो ये सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो की मदद से ये थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। प्रो मीन्स जो पहले जैसा है, अब ये बदल गया थ्रोम्बिन में, फिर कैल्शियम का यहाँ रोल आएगा, ये फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने में मदद करेगा थ्रोम्बिन और कैल्शियम। तो ये सॉल्युबल होता है फिब्रिनोजन, देन फाइब्रिन जो बनते हैं वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं और यही बन जाते हैं क्लॉट। तो क्लॉट जो है वो एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और यहाँ पर इंजुरी को प्लगिंग कर दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा कंपोनेंट जो ब्लड में हमने बात किया था, तो जो ज़्यादा अमाउंट में है प्लाज्मा का अमाउंट 55% है, बट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है इसमें वाटर का। वाटर के अलावा इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें कुछ होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का भी अमाउंट अच्छा है जो कि 7% होता है, बट प्लाज्मा का 92% पार्ट वाटर ही होता है। प्रोटीन इसमें तीन तरीके के हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन, तीन तरीके के प्रोटीन हैं। फिब्रिनोजन की अभी हमने बात किया था, फिब्रिनोजन जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ग्लोबुलिन्स जो कि हमारे डिफेंसिव प्रोटीन बन जाते हैं, एल्ब्यूमिन्स का भी रोल आता है जो कि मेंटेनेंस करते हैं ब्लड में। देन वेस्ट, वेस्ट जो है बॉडी का वो है यूरिया, तो यूरिया भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये वेस्ट के जैसे बिहेव करता है और इसको आउटसाइड किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट के अलावा इसमें विटामिन्स भी हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं प्लाज्मा में, और गैसेस होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो
तो इस तरीके से ये कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो ब्लड प्लेट, बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे जो हैं ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, ये सब कुछ परफॉर्म यहाँ पर होता रहता है। तो दैट इज अबाउट दिस ब्लड। ब्लड में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो अगर हम बात करें तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप की में जो है जनरली ब्लड ग्रुप चार टाइप के होते हैं, AB, AB एंड O। ये जनरली जो है ये सारे यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। मैक्सिमम पर्सन में इसी तरीके का ब्लड ग्रुप मिलता है। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर होता है एंटीजन ए। एंटीजन को आपको ये चीज़ समझनी है कि ये एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे ना बिहेव करते हुए, ये एक शुगरी एंटीजन होता है, शुगर एंटीजन होते हैं। ये एंटीजेनिसिटी देते हैं ब्लड में प्रेजेंट RBC की सरफेस को। फिर इसमें एंटीबॉडी होती है इसके अगेंस्ट वाली, तो वो होती है बी। ये डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला डोनेट कर सकता है ए को और ए बी वाले ब्लड ग्रुप को। जबकि जो रिसीव ये किससे कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाला किस किस से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, तो वो है ए और ओ। बी वाले में तो बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है, डोनेट कर सकता है बी और ए बी को, रिसीव कर सकता है बी और ओ से ओनली। ए बी में बात करें तो एंटीजन ए और बी है बट कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नन। और डोनेट कर सकता है ये ए बी ओनली को, ये किसी और को ब्लड नहीं दे सकता है, बट रिसीव सभी से कर सकता है, ऑल से। ब्लड ग्रुप अगर ओ की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट हैं, ये डोनेट कर सकता है सभी को, केवल रिसीव करता है ओ ओनली से। सो दिस इज अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट यहाँ पर एक कंपोनेंट और आता है कि जो ब्लड ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड होता है, वो होता है RH फैक्टर। तो जिस RH फैक्टर को सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंडेस्टीनर ने और विनर ने 1940s में रीसस मंकी में, ये बात आपको याद रखना है RH फैक्टर के बारे में। तो RH एक्चुअल में जो है, कोई भी RH फैक्टर वाली बात किया जाए तो सबसे पहले अगर कोई RH एंटीबॉडीज अगर ब्लड में मिलती हैं मैन के, बट RH पॉजिटिव ब्लड को मिक्स्ड किया जाता है अगर RH नेगेटिव ब्लड से, तो देन जो एंटीबॉडीज होती हैं उनमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और एंटीबॉडीज जब RH एंटीजन के खिलाफ काम करती हैं तो वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की कंडीशन हो जाती है, जिससे पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ऐसा किया जाता है कि सबसे पहले एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस मतलब फीटल के केस में, अगर किसी पर्सन को अगर मैरिज जो है RH पॉजिटिव मैन की मैरिज जो होती है RH नेगेटिव वुमेन से अगर होती है, तो उसमें फर्स्ट बर्थ में जो फर्स्ट बर्थ होता है वो तो सेफ होता है, बट सेकंड बर्थ में जब ब्लड की मिक्सिंग, जो मदर के ब्लड की मिक्सिंग जो है और फीटस की, फीटस के अगर जो है अगर वो पॉजिटिव है और मदर के ब्लड के साथ में मिक्सअप हो जाता है, तो मदर का जो ब्लड पहले जो RH नेगेटिव था वो एंटीबॉडी जनरेट कर लेता है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में। तो RH पॉजिटिव वाला जो जब एंटीबॉडी मदर के अंदर जनरेट हो जाएगी, तो जो सेकंड जो चाइल्ड होगा, जो सेकंड जो फीटल कंडीशन आएगी, तो सेकंड प्रेगनेंसी में वो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी जो होगी वो RH नेगेटिव में प्रेजेंट है मदर के अंदर, तो मदर के अंदर की वो एंटीबॉडी उस ब्लड के लिए जो होगी वो एक तरीके से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कंडीशन लाएगी, जिससे फीटस की वॉर्म के अंदर ही डेथ हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी सीरियस कंडीशंस। इसीलिए यहाँ पर जो है एक एंटीबॉडी की प्रिपरेशन दिया जाता है, जो मदर के लिए प्रिपेयर करके दिया जाता है एंटीबॉडी, जो मदर में प्रेजेंट RH फैक्टर के एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे फीटस नॉर्मल होता है। सो दिस इज अबाउट वन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और देन RH फैक्टर के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ये इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की बात किया जाए तो ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप होता है मस्कुलर हर्ट के थ्रू, उसको फ्लो करना है आर्टरीज जो कि थिक वॉल्ड होती हैं, फिर आर्टरीज ब्रांच होके आर्टेरियोल्स में बदल जाती हैं,
और आर्टेरियोल्स जो हैं वो कैपिलरीज में, और कैपिलरीज जो हैं फिर ये जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती हैं, और यहाँ से ये पहुँचती हैं वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स से ये पहुँच जाती हैं वेन्स में। तो इस तरीके की एक पूरा सीक्वेंस होता है, और इसको दोबारा ये वेन्स जो फाइनली पोर कर देती हैं बैक फिर से अगेन हार्ट में। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें ब्लड वेसल्स को समझना पड़ेगा। आर्टरी है, फिर यहाँ पर आर्टरीज के पास होते हैं स्फिंक्टर, आर्टीरियोल्स हैं, यहाँ कैपिलरीज हैं, फिर यहाँ पर जो होगा वेन्यूल्स में जाएगा ब्लड, और वेन्यूल्स के बाद जाएगा वेन्स में। सो दिस इज अबाउट, देन यहाँ बीच में आपको दिख रही है कैपिलरीज, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। देन आर्टरीज की अगर हम बात करें, आर्टरीज का फिगर यहाँ पर बना हुआ है, और वेन्स के फिगर को भी रिप्रेजेंट किया गया है। वेन्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका ल्यूमेन जो है वो बड़ा है, ट्यूनिक का एक्सटर्ना जो है वो कोलेजन से मेड अप होती है, और ट्यूनिक का मीडिया कम लेयर में अवेलेबल है, ट्यूनिक का इंटरना जो है ये छोटी कम अमाउंट में अवेलेबल है, ल्यूमेन इसका बड़ा है, मतलब आर्टरीज में जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, जबकि अगर मतलब जो वेन्स में जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, जबकि अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में जो है ट्यूनिक का एक्सटर्ना, ट्यूनिक का मीडिया जो कि बड़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, और ट्यूनिक का इंटरना, देन और ल्यूमेन हो गया है छोटा। तो आर्टरीज जो हैं इनका ल्यूमेन होता है छोटा, इनमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, और जो वेन्स होती हैं इनका ल्यूमेन होता है बड़ा, और इनमें ब्लड जो होता है वो स्लोली फ्लो होता है। सो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें वे आर्टरीज और वेन्स में, तो जो आर्टरीज हैं तो आर्टरीज में भी तीन लेयर हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, मिडिल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल्स से बनी होती है और इलास्टिक फाइबर से मेड ऑफ होती है, और जबकि इनर लेयर जो होती है वो स्क्वेमस एपिथीलियम से मेड ऑफ होती है। तो हमें तीनों लेयर के बारे में समझना है। जबकि आर्टरीज की अगर हम वॉल की बात करें तो इसमें ये ज़्यादा थिक होती हैं, आर्टरीज की वॉल जो है वो ज़्यादा थिक है, इसीलिए ल्यूमेन छोटा हो गया। तो आर्टरीज जो है वो थिक हैं, इलास्टिक हैं, और हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सकती हैं ब्लड के, जो कि हार्ट से आ रहा है डायरेक्टली। इनकी इलास्टिसिटी, इनमें इलास्टिसिटी भी होती है। देन अगर हम बात करें तो ये फर्दर जो होती हैं स्मूथ मसल्स और मिडिल लेयर जो होती हैं, इनमें इनर्वेटेड नर्व फाइबर्स भी होते हैं, और ये जो वर्क करती हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट भी करता है इनके डायमीटर को। देन आर्टरीज जो है वो डायरेक्टली ब्लड रिसीव करती हैं हार्ट से, तो लार्जर आर्टरीज की फिर ब्रांच होती हैं, ब्रांच होके ये बदल जाती हैं स्मॉलर आर्टरीज में, फिर बदल जाती हैं ये आर्टीरियोल्स में। तो इस तरीके से हुआ आर्टरीज के बारे में। और अगर हम आर्टीरियोल की बात करें तो आर्टीरियोल आर्टरीज से बनी हुई ब्रांच है। सो दिस इज अबाउट आर्टीरियोल्स जो है ये ब्रांच नेटवर्क फिर कैपिलरी का बनाने में भी ये मदद करती हैं। कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो कैपिलरीज जो होती है वो न्यूमरस होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं ब्लड वेसल्स में, तीनों में अगर हम बात करें आर्टरीज वेन्स और कैपिलरी जो है वो सबसे छोटी हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो इनमें ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट होती है कैपिलरीज में, ये बात आपको याद रखना है, केवल वन लेयर होती है स्क्वेमस एपिथीलियम की, और इनका ल्यूमेन भी वेरी स्मॉल होता है, सबसे बड़ा ल्यूमेन होता है वेन्स में, फिर होता है आर्टरीज में, और सबसे छोटा ल्यूमेन होता है कैपिलरीज का, वेरी स्मॉल। अगर एक और कंपोनेंट की बात किया जाए यहाँ पर, जो हमने आर्ट इसमें अगर हम बात करें तो कैपिलरीज जो होती हैं ये एंडोथीलियम जो होती हैं इनकी बड़ी ही बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, और ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस के लिए इन और आउट करने में कैपिलरीज ही मदद करती हैं। तो कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कराती हैं, गैसेस को एक्सचेंज कराने में भी हेल्प करती हैं। देन अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर जो हैं ये केवल और केवल अलाउ नहीं करती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो कैपिलरीज से अलाउ होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स और सेल्स जो होती हैं इनको यहाँ से आउट नहीं जाने दिया जाएगा, आउटसाइड द टिश्यू फ्लूइड। देन
यहां पर अगर हम बात करें तो यहीं पर कैपिलरीज जहां पर स्टार्टिंग हो रही हैं वहीं पर होते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये वो पॉइंट होते हैं जो कि आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के बीच में अराइज होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करते हैं। सो जैसे ये जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो कहाँ पर, कैपिलरीज में जाने के लिए। कैपिलरीज में जाने के लिए ये स्फिंक्टर मसल्स वर्किंग होती हैं। अगर हम बात करें वेन्यूल्स की, इन कैपिलरीज से बनने वाले हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं टिश्यूज और ऑर्गन्स में भी मदद करते हैं, बट ये कैपिलरीज से ही ज्वाइंट टुगेदर हो जाते हैं। देन अगर हम बात करें तो वेन्यूल्स में जो प्रेशर होता है वो लेस हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर था आर्टरी में, फिर इसकी ब्रांच में, फिर आया आर्टेरियोल में, यहाँ है स्फिंक्टर, ब्लड का फ्लो कम हो गया और कैपिलरीज ज्यादा नेटवर्क में है तो यहां पर ब्लड फ्लो हो जाएगा स्लो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ब्लड फ्लो हो जाएगा स्लो वेन्यूल्स तक, और फिर जैसे ही ये वेन्स में पहुंचेगा तो और स्लो होता जाएगा ये ब्लड का फ्लो। अब अगर वेन्स की बात करें तो आर्टरीज के जैसी ही इनमें भी तीन लेयर होती हैं। हमने यहाँ फिगर देख लिया है, ल्यूमेन बड़ा है इनमें। तो अगर हम बात करें वेन्स जो हैं तीन लेयर इनमें भी हैं, इनमें जो होती है मच थिनर वॉल होती है आर्टरीज के अलावा, देन लेस मसल्स की प्रेजेंस होती है, और अगर हम बात करें तो ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा है, ल्यूमेन का डायमीटर ज़्यादा है। और इनमें अगर हम बात करें तो इनमें सेमी लूनर वॉल जो होती हैं, इनमें सेमी लूनर वॉल्स की प्रेजेंस होती है जो कि अलाउ करती हैं ब्लड फ्लो को केवल एक डायरेक्शन में जाने के लिए, टूवर्ड्स दी हार्ट। तो कोई भी ब्लड फ्लो बैक में ना हो इसलिए यहाँ पर सेमी लूनर वॉल की प्रेजेंस होती है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ये वॉल्व्स। देन अगर हम बात करें तो वेन्स जो हैं पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर एक्सेप्ट, ये पोर करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू हार्ट। ये इंपॉर्टेंट काम है इनका, ये यहाँ से ब्लड लेके जाएंगी और पोर करेंगी हार्ट में। सो दिस इज अबाउट दोनों की अगर कंपैरिजन करना चाहें वेन्स में और आर्टरीज में, तो ये ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं वेन्स, ये हार्ट टू ऑर्गन की तरफ लेके जाती हैं। इनमें वेन्स में जो होता है मूवमेंट स्लो होता है ब्लड का, इनमें रैपिड ब्लड फ्लो होता है। इनका ल्यूमेन बिग होता है वेन्स में, आर्टरीज में जो होता है वो स्मॉल होता है। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी होता है, और अगर यहाँ हम बात करें आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ की वॉल जो होती है वो थिनर होती हैं, यहाँ की वॉल थिकर होती हैं। और अगर हम इनमें और भी अगर कुछ डिफरेंसेस की बात करें तो जो आर्टरीज की जो लोकेशन होती है ये मोस्टली डीप सीटेड होती हैं, और जबकि अगर हम बात करें वेन्स में तो ये मोस्टली सुपरफिशियल होती हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं। और अगर हम कैपिलरीज को भी यहाँ अगर हम जोड़ देते हैं तो जो इनमें ब्लड एक्सचेंज कराने में जो मदद करती हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो वो कैपिलरीज का ही फंक्शन होता है। सो नाउ दिस इज अबाउट सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने ब्लड को समझा, ब्लड के कंपोनेंट्स को समझा, और आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस को उनके फिगर के सहित, और यहाँ पर रोल क्या है सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन का, इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम लेक्चर में बात करेंगे वो होगा हार्ट, और देन दिस इज दी ट्रांसपोर्टेशन में, और हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और फिर नेक्स्ट जो होंगे वो हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर है, डबल सर्कुलेशंस हैं। सो थैंक यू।